चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. फर्स्टली बोरोन इज एन एग्जांपल ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर साइज पे था. एयर इज रिगार्डेड एज मिक्सचर बिकॉज इट्स कॉम्पोजिशन में वेरी. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. Solution is prepared by combination of two same phases of matter. A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. पहले ये बोलो assertion true है कि नहीं. Assertion true है. Reason. Solution is prepared by combination of two same states of matter. हमेशा ऐसा तो नहीं होता. कोई सॉलिड में भी हम मिक्स कर सकते हैं. दो सॉलिड चीजों को भी मिक्स करते हैं. सॉलिड लिक्विड को भी मिक्स करते हैं. लिक्विड गैसेस को भी मिक्स करते हैं. ओके सो दैट इज नॉट कंपलसरी कि हर जगह हम सेम फेजेस यूज करें. ठीक है. द स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस दे कैन बी डिफरेंट. आइदर दे कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस. कोलाइडर सॉल्यूशंस स्कैटर द बीम ऑफ लाइट व्हाइल टू सॉल्यूशंस डोंट. असर्शन इज ट्रू और नॉट. द पार्टिकल्स इन द कोलाइडर सॉल्यूशन आर बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस. So both are true and correct. White gold is used in jewelry and contains two elements, gold and palladium. A jeweler has two different samples that are both identical in appearance, have uniform composition throughout. What can be said about the samples? They both are metallic alloys, homogeneous or metallic alloys. Assertion is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution has solvent and solute are its component. Ab meri baat suno pehle. Just a minute. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. This is true. Last deck, stand up. A solution has a solvent and solute at its component. True or false? क्यों true है? क्या होते हैं? अच्छा assertion में आपको वो कह रहे हैं कि homogeneous mixture है. तो डैट मीन्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो रीजन होना चाहिए उसमें भी कोई होमोजीनियस या किसी और सब्सटेंसेस की बात करें, क्योंकि जो मेन कीवर्ड्स हैं हमारे वो ये हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का. या तो वो सब्सटेंसेस की बात करें रीजन में, ठीक है, या होमोजेनियस मिक्सचर्स की बात करें. अब उन्होंने ऐसी कोई चीज की बात की नहीं है, ठीक है, बट दोनों स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू, बट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज नॉट देयर. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी कि दोनों ठीक है बट जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज नॉट करेक्ट ऑन द पार्ट. ओके क्लियर. ठीक है जी. सो दिस वॉज अबाउट योर टेस्ट. टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं दोबारा से. सो यू जस्ट हैव टू गिव द आंसर्स. रेज योर हैंड, गो एट द लास्ट एंड सिट डाउन. बेटा चलो. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. ये सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द सॉल्यूशन इन वाटर. जस्ट रेज योर हैंड, व्हाट सेपरेशन टेक्निक यू विल एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. NaCl को सेपरेट करना है पानी में से. इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन सॉलिड है बेटा. डिस्टिलेशन में क्यों एम्प्लॉय करोगे? डिस्टिलेशन में दो लिक्विड्स लेते हैं हम, इसमें से एक सॉलिड है एक लिक्विड है. अमोनियम क्लोराइड फॉर्म्स अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. जहां पर अमोनियम क्लोराइड आ जाए, आयोडीन आ जाए, कैम्फर आ जाए, नेफ्थलीन बॉल्स आ जाए, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, आंखें बंद करके सब्लिमेशन मेथड. ठीक है,
एंड व्हाट इज द कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड? व्हाइट डिपॉजिटेड आते हैं, बताया हुआ है आपको, ठीक है, व्हाइट डिपॉजिटेड फॉर्म्स ऑन द फ्लास्क। तो फ्लास्क के ऊपर यहाँ पर जो है वो व्हाइट कलर के डिपॉजिट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, ओके, इन द सब्लिमेशन मेथड। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार हेवन, स्मॉल मेटल पीसेस इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, मेटल पीसेस फ्रॉम द इंजन ऑयल, एक मेटल है और एक ऑयल है, तो डिस्टिलेशन हम कहां से लगा देंगे मुझे ये बताओ पहले। वो कौन सी खोली हुई है, बंद करो मिलन। वेरी गुड, वी विल बी फिल्टरिंग इट, सो द करेक्ट आंसर इज फिल्ट्रेशन। सिट डाउन। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्लावर पेटल्स, लास्ट डेक्स, डिफरेंट पिगमेंट्स। और मुझे आपकी असाइनमेंट से याद आया कुछ, असाइनमेंट में लिखा था द डाई कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाउंटेन पेन, आई गेस फाउंटेन पेन, विद द हेल्प ऑफ विच सेपरेशन टेक्निक? यू हैव टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द इंक, तो इंक के कंपोनेंट के लिए कौन सी टेक्निक लगती है? तो व्हाई आर यू राइटिंग क्रोमेटोग्राफी? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्रोमेटोग्राफी लिखा हुआ है, एक ने लिख लिया है, वही आगे 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 के रिपीट हो रहा है, एक ने लिखा है वही आगे आगे रिपीट हो रहा है, ब्लाइंडली वी आर राइटिंग क्रोमेटोग्राफी, ब्लाइंडली, ये देख लो आप। जब आपको क्लियर कट मैंने उस दिन लिखवाया था, इवेपोरेशन और क्रोमेटोग्राफी हम किसके लिए यूज करते हैं, बोला था ना पेज के टॉप पे लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ डाई बोला है या कंपोनेंट्स ऑफ इंक बोला है, कैसे सेपरेट करना है। अभी तो सिंपल क्वेश्चन था और आप ऐसे लिख रहे हो, अगर पेपर में घुमा के डाल दिया फिर क्या होगा आपका? फिर मैम ने बताने आना है दोबारा से, बेटा ये क्वेश्चन मैंने डाला था, आपने ऐसे लिखा है। बोलो, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी। आपकी क्लास में तो मुझे लगता है ऐसे चलता है, एक बच्चा काम करता है बाकी सारे कॉपी करते हैं, राइट? टेस्ट भी एक ने कर लिया बाकी सारे कॉपी करते हैं, ऐसे ही करते हो ना आप? यस, मेरे से पूछो, मैं चेकिंग कर रही हूँ, वही 10-12 बच्चे होंगे बाकी सारे कॉपी करते हैं, दैट्स इट। पढ़ने वाले जो हैं वो करते होंगे काम, बाकी जिन्होंने कॉपी करना है वो कॉपी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताओ बेटा, बटर फ्रॉम कर्ड, अनिका, सेंट्रीफ्यूगेशन का और नाम क्या है? बैठिए। ऑयल फ्रॉम वाटर, लास्ट सेकेंड, ऑयल फ्रॉम वाटर, सीव करना क्या होता है? छानना। छन्नी में से कौन सी चीजें जाएंगी जो सॉलिड होंगी और एक लिक्विड होगा? ऑयल एंड वाटर में से कौन सा सॉलिड है बेटा? तो पहले क्यों बोला सीविंग? टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव्स फ्रॉम टी, सीविंग में क्या होता बेटा? व्हाट इज देयर इन द सीविंग मेथड?
बैठो, सीविंग और फिल्ट्रेशन यू बोथ कैन राइट, ठीक है। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन। वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, बचर, वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, कौन सा मेथड? ग्लोइंग, बोलने दो उसको, ग्लोइंग और विनोइंग। बच्चा बोल लो, व्हाट इज द आंसर? बैठिए। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, बैठिए। हाँ जी दिया, लोडिंग और फिल्ट्रेशन भी आप लगा सकते हो, ठीक है। लोडिंग के बाद हमें फिल्टर ही करना पड़ेगा उनको, ठीक है। सो लोडिंग और फिल्ट्रेशन, हाँ, लोडिंग से वो सेटल डाउन करेंगे, फिल्ट्रेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं। सो फिल्ट्रेशन विल बी द एग्जैक्ट मेथड इंस्टेड ऑफ लोडिंग, ओके। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स दैट वुड यू यूज फॉर मेकिंग टी। अब आपने घर में चाय बनानी है, यू हैव टू प्रिपेयर अ टी एंड यू विल बी राइटिंग ऑल द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कौन अच्छी चाय बनाता है? एनीवन? चलो आप बताओगे, राइट। उसके बाद सुन लो, यू हैव टू यूज द वर्ड सॉल्यूशन, आपने उसको केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिल्क, वाटर, शुगर, यू विल बी यूजिंग द टर्म सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, डिसॉल्व, यू विल बी यूजिंग द टर्म्स, मैं बोल रही हूँ जो जो टर्म्स मैंने लिखी हैं आपने वो चीजें यूज करनी है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। चलिए लास्ट डेक्स, लास्ट डेक्स, चलो बेटा मेक टी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। चलो बेटा बोलो जल्दी, टेक अ कप ऑफ, अभी मैंने बोला भी है वाटर नहीं यूज करना, क्या टर्म यूज करनी है? ओके, सॉल्वेंट ले लिया हमने, आगे टी लीव्स, फिर टी यूज कर रहे हो आप, सॉल्यूट, टी लीव्स एज सॉल्यूट, बाहर निकाल देना मैंने सेकंड एक्स। अच्छा उसके बाद शुगर पाउडर, अच्छा शुगर एज सॉल्यूट, ओके आगे एक तो मुझे सुन नहीं रहा, प्लीज बी लाउड, ओके बॉइल इट फॉर सम टाइम। मिल्क डाल दिया, मिल्क क्या है इसमें? मिल्क क्या है इसमें? सॉल्यूट। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने चीजें डाली हैं, शुगर हो गया, ठीक है, टी लीव्स हो गई, मिल्क हो गए, दे ऑल आर इन द लो कॉम्पोजिशन, ठीक है, लो कंसेंट्रेशन है, तो दे ऑल विल बी सॉल्यूट। एंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि पानी और जो हमने बाकी चीजें मिक्स की है वो मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स एट दिस टाइम वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट, हाँ जी बोलो आगे। डिसॉल्व टर्म किसके लिए यूज करेंगे हम? शुगर के लिए, द शुगर इट विल गेट डिसॉल्व इन द वाटर। चलो आगे, आपने और क्या टर्म यूज करनी है? सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल कौन सा होगा? मिल्क,
milk will be soluble in water. And what is insoluble? Tea leaves. They are insoluble. Filtrate. Beta, he is preparing the tea. Let him speak firstly. सारे चाय बना रहे हैं, चलो बोलो. फिल्ट्रेट इज, अच्छा जो आपकी टी प्रिपेयर हो गई इन द कप, दैट इज फिल्ट्रेट. एक तो ऊंची बोल ले प्लीज, मेरे को इनका शोर भी सुन रहा है. मास्क नीचे करके बोलो साथ में, मास्क नीचे कर ले. कौन सा फिल्ट्रेट? फिल्ट्रेट क्या है? है? सिट डाउन. लास्ट सेकंड हेक्स. व्हाट इज फिल्ट्रेट? चलो है सॉल्यूट. और कुछ रह गया? सॉल्वेंट भी लिखा मैंने, सॉल्यूशन भी लिखा है, डिसॉल्व भी लिखा है. इनमें से कोई और वर्ड अच्छा लग रहा है तो बोल दो. हाँ जी, इधर से फर्स्ट एक्स. व्हाट इज फिल्ट्रेट? आपको कॉमन कॉमन कौन सा सॉल्यूशन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो आप. बना क्या रहे हैं हम? तो वो टी क्या है? और जो भी सारा आपकी सीव में रह गया, छन्नी में रह गया, दैट इज रेजिन. सिट डाउन. ओके, चलो आज घर में चाय बनाओगे तो ये सारी चीजें यूज कर लेना, ठीक है? अब बताइए तो है सारा प्रोसीजर. चलिए नेक्स्ट बेटा. If you are having your NCERT books, you can open. There is one table. जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, but जिनके पास है वो देख सकते हैं. आपके पास नहीं है बेटा, आगे पीछे शेयर कर लो. एक इधर दे दो, आप उसके साथ शेयर कर लो. आप इधर दोनों शेयर कर लो. हाँ जी, there is one table in your book related to solubility. ठीक है जी. You are given some substances like potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride and ammonium chloride. इनकी आपको solubilities बताई हैं कि कितने. बेटा मुझे नहीं पता, मेरी दूसरी बुक है. 28 आपको. इनकी आपको solubilities बताई हैं कि इन इन temperatures पे कितना ग्राम जो है वो आपका solute जो है वो dissolve कर सकता है. जैसे potassium nitrate का 283 पर 21 ग्राम आप dissolve कर सकते हो बस. इससे ज्यादा अगर आप डिसॉल्व करना चाहोगे तो वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी फॉर्मड. ओके, तो नाउ यू हैव टू टेल सम ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्स. व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड? कहते हैं कितना मास चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट का अगर मैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करूं पोटेशियम नाइट्रेट का इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन. जी 62 ग्राम्स उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई है ना, कि वो 62 ग्राम्स जो है वो 100 में डिसॉल्व हो सकता है. बट आपको अब ये पूछा है कि 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना डिसॉल्व करेगा. समझ रहे हो? देखो पहली बात आपसे पूछा क्या है, मास. मास पूछा है तो मास हम यहाँ पे रखेंगे. 100 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना डिसॉल्व हो रहा है? 62 ग्राम्स. ठीक है, कितने ग्राम्स में पूछा है आपको? 50 में. पानी का 50 ग्राम पूछा ना. अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट कितना डल रहा है? 62 डल रहा है. तो 100 में कितना, 50 में कितना डल जाएगा बेटा? 62 बाय 100 इंटू 50. ठीक है, तो 52 सा और ये हो गया 31. तो नेचुरली यहाँ से अंडरस्टूड है अगर ये हाफ कर दोगे तो उसका भी तो हाफ हो जाएगा. ठीक है, चलिए. हाँ, 50 ग्राम में कितनी सॉल्युबिलिटी है उसकी, कितना ग्राम जो है वो 50 ग्राम में डिसॉल्व होगा पोटेशियम नाइट्रेट का. अगर 100 ग्राम में 62 डिसॉल्व हो रहा है तो 50 ग्राम में उसका आधा डिसॉल्व हो जाएगा. प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन.
ठीक है, उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसको छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे. व्हाट शी विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम्स हेवन, क्या देखेगी वो आफ्टर सम टाइम्स? कुछ नहीं देखेगी. प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर. व्हाट शी विल ऑब्जर्व? Why? Okay, saturated solution बनाया, यानी कि जो amount of solute है वो ज्यादा है, तो हम उसको धक्के से जो है वो क्या कर रहे हैं, मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, जो सोल्यूट है उसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मिक्स इट, बट एक्चुअली जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है उससे वो ज्यादा है, जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है उससे ज्यादा है वो. ठीक है, तो जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, व्हेन इट विल बी कूल्ड डाउन, व्हाट विल हैपन, तो वो जो हमने एक्स्ट्रा वाला उसमें ऐड किया है वो सेपरेट हो जाएगा एज क्रिस्टल्स. ठीक है, तो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट दे विल बी सेपरेटेड आउट. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन. दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स, स्टार्ट डूइंग इट. आपने सबकी सॉल्युबिलिटीज की वैल्यूज बतानी है मुझे 293 केल्विन से, देख के बता दो चलो. और किस सॉल्ट की ज्यादा सॉल्युबिलिटी है? ओके, पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी है? वेरी गुड. सोडियम क्लोराइड की? राइट. उसके बाद आता है पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो किसकी ज्यादा है? अमोनियम क्लोराइड इज हैविंग द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी. ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट? सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर का क्या रिलेशन है बेटा? जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. अगर आपने एक नॉर्मल वाटर का वाटर लिया, ठीक है, उसमें शुगर जो है वो ऐड करना शुरू कर रहे हो, जब वो शुगर नीचे बैठनी शुरू हो जाती है, अगर आप उसमें थोड़ा सा उसको हीट करना शुरू कर देते हो, तो क्या वो जो एक्स्ट्रा शुगर थी वो डिसॉल्व हो जाती है? जैसे जैसे आप उसको हीट करते जाओगे वैसे वैसे जो एक्स्ट्रा शुगर है वो डिसॉल्व होती जाएगी. सो दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इट विल इंक्रीज. और जब आप टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दोगे, कूल डाउन कर दोगे, ठंडा कर दोगे उसको, तो वो जो सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो जो भी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूट जाती है. ठीक है, दे विल बी गिवन, दे विल बी गिवन. अच्छा, नेक्स्ट you have to explain the following terms by giving one of the examples. Saturated solution, abhi aapko table given hai, table se ek example leke batao mujhe. Just raise your hands, just take one example from the table which represents a saturated solution. Haan ji Ramni, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन किसमें कितना? फिर उन्होंने कहा है कि 333 पे 106 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट आप डिसॉल्व कर सकते हो. दैट मींस आपको 106 से ज्यादा अमाउंट लेनी पड़ेगी. लेट सपोज आई हैव टेकन 110 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट at 333 Kelvin, that is going to represent a saturated. ये values आपको solubilities की दी हुई है कि इतना ग्राम जब आप डालोगे तो वो soluble हो जाएगा. ठीक है, चलिए. प्योर substance, sugar, salt, ठीक है, anything you can express. Sodium है, कोई भी element ले लो. Collides,
मिल्क तो ऐसे बोलते हैं ना क्लोराइड के नाम पे. सस्पेंशन, सैंड एंड वाटर. वेरी गुड. ओके नेक्स्ट यू हैव टू क्लासिफाई द सब्सटेंसेस एज होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस सब्सटेंसेस. ठीक है, विद एग्जाम्पल. विद एग्जाम्पल्स यू हैव टू क्लासिफाई. बस छोड़ दो, बुक बंद कर दो बेटा, टेबल खत्म हो गया. मैं बोलती हूँ ना, आई विल बी सेइंग द एग्जाम्पल्स. टेबल बंद हो गया बस. सोडा वाटर, जस्ट रेज योर हैंड्स. सोडा वाटर, होमोजेनियस किस किस का बना है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वेरी गुड. वुड, वुड वुड लकड़ी. हेटरोजीनियस, ठीक है, जो उसकी बार्क होती है दैट कैन बी सेपरेटेड इजीली. आप जो उसकी वुड की शेविंग करते हो, वो चीजें सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में होती है, इसीलिए उसको शेव कर पाते हो. ठीक है, एयर, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. ये हमने पढ़ा हुआ है. विनेगर, होमोजेनियस. विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड. डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. फिल्टर्ड टी, होमोजेनियस. अब उसमें चाय में चीनी कहाँ गई, पत्ती का टेस्ट कहाँ है, बाकी चीजों का टेस्ट कहाँ है, वो नहीं दिखता. ठीक है, सबका एक ही सिप में सेम टेस्ट आता है. Which of the following material falls in the category of a pure substance? Ice, pure. Milk, impure. Milk impure हो सकता, ठीक है. वैसे भी अलग अलग चीजें हैं इसमें, ठीक है. Iron, pure. Hydrochloric acid, pure. Calcium oxide, pure. Pure substance. ये तो compound बन गया ना calcium oxide तो. कैल्शियम और ऑक्सीजन अलग अलग जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं. हाँ, इम्प्योर नहीं है, दिस इज अ कंपाउंड. प्योर सब्सटेंस वो है जिसमें क्यों HCl में तो है ही, HCl है बस सॉल्यूशन है ना HCl का. ठीक है, ब्रेक वुड एंड एयर. ब्रेक वुड एंड एयर, प्योर एयर, प्योर एंड